चोपड़ा जो इस यूट्यूब चैनल पर मैं हर्षई चोपड़ा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, राजस्थान का रिवाइज रिजल्ट आ चुका है। इसमें गवर्नमेंट सीट की कट ऑफ हाई रही है और पेमेंट सीट की कट ऑफ लो रही है। यानी कि जो पहले रिजल्ट आया था राजस्थान का, उससे गवर्नमेंट कॉलेजेस की कट ऑफ हाई रही है और पेमेंट सीट की कट ऑफ लो रही है। ये यूआर और ओबीसी कैटेगरी में हुआ है, बाकी सभी कैटेगरी की कट ऑफ सेम है। बाकी किसी भी कैटेगरी में कोई फर्क नहीं पड़ा है। एक बार हम कट ऑफ देख लेते हैं। तो आप यहां कट ऑफ देख रहे हैं, सेकंड राउंड का भी मैंने कट ऑफ दिखाया है, थर्ड राउंड का भी कट ऑफ दिखाया है, और थर्ड राउंड का जो 19 अक्टूबर को रिजल्ट आया था उसका कट ऑफ दिखाया है, और थर्ड राउंड का जो 21 को रिजल्ट आया है उसका भी कट ऑफ दिखाया है। तो इसमें यूआर कैटेगरी की जो कट ऑफ में डिफरेंस रहा है, वो जो पहले रिजल्ट आया था 19 अक्टूबर को, उसमें यूआर कैटेगरी की कट ऑफ 19,399 थी, लेकिन अभी वाले रिजल्ट में यूआर कैटेगरी की कट ऑफ 19,294 रैंक पर स्टूडेंट को कॉलेज मिला है। यानी कि ये कट ऑफ हाई रही है, बाकी सभी की सेम है। ओबीसी बॉयज कैंडिडेट पहले ये 20,060 रैंक पर मिला था, अभी 19,768 रैंक पर मिला है। तो ये दो कैटेगरी में फर्क पड़ा है, यूआरबी और ओबीसी बॉयज, ये दो कैटेगरी में फर्क पड़ा है। यहां पर ये डिफरेंस रहा है रिवाइज्ड रिजल्ट पर। तो ये तो गवर्नमेंट की कट ऑफ है। अब मैं पेमेंट की कट ऑफ में तीन कैटेगरी में फर्क पड़ा है, यूआरबी यानी कि यूआर बॉयज, ओबीसी बॉयज और ओबीसी गर्ल्स। अब पेमेंट सीट पर यूआर बॉयज की पहले जो कट ऑफ थी वो 57,253 रैंक थी, यानी कि 19 अक्टूबर को जो रिजल्ट आया था। अभी जो रिजल्ट आया है उसमें 58,530 रैंक, यानी कि लो रही है इसमें कट ऑफ। अब ओबीसी बॉयज की बात करें तो इसमें पहले कट ऑफ थी 60,195, अभी कट ऑफ रही है 60,447 रैंक। ओबीसी गर्ल्स की बात करें तो पहले 59,450 रैंक था, अभी 59,465 रैंक वाले कैंडिडेट को कॉलेज मिला है। तो ये फर्क रहा है गवर्नमेंट और पेमेंट सीट पर। बीडीएस और एमजी में कोई फर्क नहीं रहा है, बाकी सभी कैटेगरी की कट ऑफ है वो सेम ही है। बस ये तीन रैंक में फर्क पड़ा है, यानी कि पेमेंट में जनरल बॉयज, ओबीसी बॉयज, ओबीसी गर्ल्स, और गवर्नमेंट में यूआर बॉयज और ओबीसी बॉयज, दो में फर्क पड़ा है इसमें। तो ये कट ऑफ मैंने आपको बता दी है और रिजल्ट आ चुका है। ये डेट भी इसमें इंक्रीज होने की पॉसिबिलिटी है, क्योंकि ये जो रिपोर्टिंग डेट थी वो अभी 2-3 दिन का टाइम निकल चुका है, इसलिए रिपोर्टिंग डेट भी बढ़ने की संभावना है इसमें। तो रिपोर्टिंग डेट के बारे में भी आज कोई ना कोई इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो जैसे ही इसके बारे में कोई अपडेट मिलेगा मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। तो मिलेंगे नई अपडेट के साथ, नए वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक मैं हर्षाई चोपड़ा आपसे लेता हूं विदा। जय हिंद।